नमस्कार, सिटी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं राजेश रंगा। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सफीदों के एसडीएम कार्यालय में। यहां आज सीएम साहब के द्वारा उद्घाटन किया गया है उपमंडल अधिकारी परिसर, और मैं दिखाना चाहूंगा सीधा लाइव तस्वीरें सफीदों के एसडीएम कार्यालय से। और आप मेरे ठीक सामने अभी देख भी पा रहे होंगे जिस प्रकार से 10,55,00,000 की लागत से बिल्डिंग तैयार हुई है। और जो बिल्डिंग है, बात करूं मैं रोजगार कार्यालय की चाहे मैं ट्रेजरी की, वो सभी अब 10 विभाग इस छत के नीचे होंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अब जितने भी अधिकारी हैं आपको सफीदों एसडीएम कार्यालय में देख रहे, आप मेरे ठीक सामने देख भी पा रहे हैं जिस प्रकार से और आज इसका उद्घाटन किया गया है। मैं अंदर से जो बिल्डिंग के कमरे हैं वो दिखाना चाहूंगा आपको, और जो और अधिकारी हैं वो भी यहीं पर मिलेंगे। और सफीदों के आज का क्या कार्यक्रम था? आज 4/9/2022 को उपमंडलीय परिसर का माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राजस्व मिनिस्टर जी ने, राज्य मंत्री जी अनूप जी ने और सांसद जी ने और सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकारीगण, उपायुक्त महोदय, उपमंडलीय नागरिक, सभी अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हाजिर थे और मैं यहाँ सब डिवीजन रूप में हाजिर था। तो मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है और ये मिनी सचिवालय सफीदों की जनता के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एक ही छत के नीचे सभी ऑफिस यहाँ आ गए, चाहे उपनगर नागरिक से संबंधित हो, चाहे तहसीलदार से संबंधित हो, नायब तहसीलदार से संबंधित हो, ये दूसरे महकमे जो CDPO का है, APRO का है, दूसरे महकमे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये काफ़ी महकमे यहाँ आ जाएंगे। बैंक है, डाकखाना है, ATM है, सभी सुविधाएं एक ही छत पे मिलेगी। यहाँ की जनता को बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो सर, जो पुरानी बिल्डिंग है जो उसमें भी कुछ विभाग आने की संभावना, जो पुरानी बिल्डिंग है, अभी जैसे उपायुक्त महोदय के निर्देश होंगे, उन निर्देशों के अनुसार जो उपायुक्त महोदय आदेश देंगे उसके अनुसार नियम के अनुसार कार्रवाई करेंगे, किसको देते हैं क्या करते हैं। बिल्डिंग तो अच्छी है, नई है हमारी पुरानी तहसील की, लेकिन उन अधिकारियों के आदेश के मुताबिक जिस विभाग को अलाट करनी है उसके अनुसार नियम के अनुसार हो जाएंगे। ये जो नया भवन बनकर के तैयार हुआ है, कितनी लागत से बनकर के तैयार हुआ है, और जो इसमें अन्य कार्य वो लिफ्टिंग का है, वो कब तक कंप्लीट मिल जाएंगे शहरवासियों को? नई बिल्डिंग के अंदर थोड़ा बहुत शेष कार्य है, तो ये बहुत ही जल्दी, क्योंकि हर रोज हम इनकी मॉनिटरिंग करते हैं। उपमंडलीय नागरिक है, मैं हूँ, सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग अधिकारी है, पंचायती राज संस्था से SDO साहब है, बिजली बोर्ड के अधिकारी हैं, तो यहाँ पर हमने लगातार ये एक हफ्ता 10 दिन से हम लगातार डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भी बकाया काम है हम दिन रात करके इनको बहुत जल्दी से जल्दी करवाने लग रहे हैं। रही बात लिफ्टिंग की, लिफ्टिंग में अभी 15-20 दिन का समय लगेगा। उपमंडल की जनता से आप पर क्या संदेश है, क्या कहेंगे? मेरी सफीदों की जनता से यही आह्वान है कि सफीदों की जनता को यही आह्वान करता हूं कि लोगों के समय पर काम होंगे, एक ही छत के नीचे सभी दफ्तर हैं, कहीं दूसरी जगह आना जाना नहीं पड़ेगा। CDPO जो कार्यालय सर, वो भी यहीं पे होगा? देखो, उनकी खुद की बिल्डिंग है, सरकार की प्रपोजल है, अगर वहाँ थाना बनता है तो अगर इसके अंदर व्यवस्था हो जाएगी तो यहाँ भी उनको कमरे दे देंगे। कुछ भी भाग ऐसे थे जो किराए पे बिल्डिंग लेकर के रह रहे, हाँ वो सभी यहाँ आ जाएंगे। जैसे रोजगार कार्यालय है, रोजगार ट्रेजरी है, ट्रेजरी बन गया बिल्कुल बाकायदा, ट्रेजरी को कमरा नंबर है, वो तो अलाट हो गया। सर, अगर बात करें कीमत की, कितनी लागत आई थी? ये लगभग आप 10,56,00,000 के आसपास की इसमें लागत आई है। ये बन के तैयार हुआ है, हरियाणा सरकार ने करवाया है, सफीदों की जनता हरियाणा सरकार की काफी शुक्र गुजार है कि हमने सफीदों की जनता को नया मिनी सेक्रेटरी मिला है। एक पार्किंग की जो है उसको देखते हुए क्या नई योजना बनाई हुई है, देखो पार्किंग की व्यवस्था की बात है,
ये जो डीड राइटर है उपायुक्त महोदय ने निर्देश दिए हैं कि अभी इन्होंने खाली तो कर दिए हैं, लेकिन जब तक ये अपना कोई स्थान नहीं देखते तो एक महीने का इनको समय दिया गया है, ये बैठ के अपना काम करने लगे हुए हैं। और जैसे ही उच्च अधिकारीगण से कोई आदेश प्राप्त होगा तो उसके अनुसार नियम के अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। वैसे सब डिविजनल कॉम्प्लेक्स में कहीं भी पक्के मकान बनाने अलाउड नहीं है। अपना खोखा रख लिया, कुर्सी मेज लगा ली, लेकिन आजकल बिजली का कंप्यूटर का युग है तो उपायुक्त महोदय सरकार से निरंतर संपर्क में है। उपनगरीय नागरिक सफेदों भी इस बारे में प्रयास है, जो होगी आपको जल्दी से जल्दी बता दी जाएगी। नायब तहसीलदार रामपाल शर्मा जी और एपीआरओ अनिल जी अधिकारी हैं, वो निरीक्षण करवाएंगे जो कमरे यहाँ पर बने हैं, किन किन के अलाट यहाँ पर कमरे किए गए हैं। यह है स्टाफ कैंटीन, अलग अलग प्रकार के जो पकवान हैं वो बन करके तैयार होंगे और कैंटीन से स्टाफ वाले ले सकते हैं। और ये एक एंट्री में है, कार्यभार संभाले हुए हैं अनिल शिवाच, वो इस बिल्डिंग का जो कि हमारे को निरीक्षण करा रहे हैं, जो अलग अलग रूम है वो बता रहे हैं, अलग अलग विभागों के रूम जो कि अलर्ट किए गए हैं, और साथ के साथ ये हवालात है जो कि डीएसपी की हवालात होती है, ये हवालात बीच में बनाई गई है, अलग अलग हवालात अच्छी भव्य तरीके से भी बनाई गई है। लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं काफ़ी हाल भी है, यहाँ से भी आ सकते हैं। तहसील का जो पहले का गेट था एसडीएम ऑफिस का, वहाँ से भी आ सकते हैं। अलग अलग विभागों के जो कि ये एंट्रियाँ बनाई गई हैं काफ़ी अच्छी। और जो तहसीलदार की कोर्ट लगेगी वो दिखाएंगे आपको किस तरीके से, और काफ़ी तहसील की ये कोर्ट है, यहाँ ये कोर्ट यहाँ पर तैयार होगी। अभी कुछ काम जो है पेंडिंग है जिसके चलते अभी इसका कार्य जो है वो पूर्ण कर लिया जाएगा। और इसकी बैक साइड की अगर मैं बात करूं, ये देखिए बिल्डिंग है, बिल्कुल काफी लागत के बाद ये जो बिल्डिंग तैयार हुई है। ये देखिए बिल्डिंग जिस पे 10,10,56,00,000 रुपए इस पर लागत आई है, और काफी बिल्डिंग जो पुरानी हो चुकी थी उसको देखते हुए एक ही छत के नीचे रजिस्ट्रेशन रूम, बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए इस प्रकार से यहाँ एटीएम रूम आएगा, और ये बिल्डिंग जो तैयार हुई है ये क्या है, और इसके बीच बीच में आप देख भी पा रहे होंगे ये पार्किंग नहीं पार्क बनाया गया है। ये देखिए, और पार्क जो है एक बहुत ही अच्छा यहाँ पार्क, जिसको अनिल शिवाजी जो के इनका निरीक्षण करवा रहे हैं, और ये सरल केंद्र होगा सफेदों का। और ये देखिए जिस तरीके से एसी लगा करके इसको पूरा ही हाल जो है एसी है, ये देखिए।
और ये शहीदों का एसडीएम दफ्तर, एसडीएम ऑफिस कह सकते हैं इसको। और ये देखिए यहाँ इस तरीके से इन्होंने तैयार किया है। और इसके बाद एसडीएम यहीं से, अब कोर्ट का ये मिनी गेट यहाँ से, यहाँ कोर्ट लगेगी, जो भी मामले होंगे यहाँ पर सुने जाएंगे एसडीएम साहब के द्वारा। यहाँ पर कोर्ट और ऑफिस साथ के साथ होंगे। एक तरफ जब कोई अच्छा आराम करने का, ये सफीदों के जो एसडीएम हैं उनके आराम करने का ये कमरा है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा सफीदों के जो एसडीएम उनका जो ऑफिस है ये यहाँ होगा और काफी भव्य है। और जो ऊपरली बिल्डिंग है उसके ठीक, और अब आपको लिए चलते हैं डीएसपी ऑफिस। डीएसपी ऑफिस भी जो है यहीं पर, ये सीडीपीओ ऑफिस है। इसमें यहाँ पर अभी कुछ काम पेंडिंग है। और ये एपीआरओ ऑफिस आप देख भी पा रहे हैं जिस प्रकार से यहाँ अनिल शिवाज जी एपीआरओ, उनके लिए ये ऑफिस दिया गया क्योंकि जहाँ पर ये रह रहे थे वहाँ किसी टाइम भी वो बिल्डिंग गिर सकती थी क्योंकि बिल्डिंग काफी पुरानी होने की वजह से है जी। पोस्ट ऑफिस है ये, और पोस्ट ऑफिस आप देख भी पा रहे हैं पोस्ट ऑफिस बनाया गया है। और नीचे जो प्रांगण में आप देख रहे हैं यहाँ पार्किंग होगी, अच्छे भी हुए पार्किंग होगी, पार्किंग को में पार्क होगी, सॉरी पार्क जो बनाई गई है, फूल पौधे जो इसमें रखने का जो विशेष गमले हैं, अच्छी घास होगी, गदमदार घास होगी काफी जो पंचायत। और इनके अलावा बैंक, और ये बैंक के लिए बिल्डिंग जो है इसमें शिफ्ट होगी, जो बैंक हैं दो सौ आठ नंबर जो है वो बैंक के लिए। और यहाँ पर हूटर और कोई मुनादी अगर कोई बात अगर कहनी है विभागों के लिए बनाई गई हैं और रूम हैं जो देख रहे हैं आप। और मैं बात करूं तो काफ़ी चौड़ी गैलरी जो बनाई गई है इस बिल्डिंग में काफ़ी अच्छा। और ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए 206 नंबर जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, कोई भी अधिकारी यहां पर लगभग एक ही छत के नीचे जो है 10-12 विभाग जो हैं आपको मिलेंगे। 205 नंबर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, जो 205 नंबर है 205 पुलिस डिपार्टमेंट को दिया गया है।
और ये देखिए जो सिलेंडर आग की अगर कोई वारदात हो जाती है तो उसके लिए सिलेंडर भी यहाँ पर लगाए गए हैं 205 नंबर और 206 ये पुलिस स्टाफ के लिए और 201 नंबर जो है वो डीएसपी को दिया गया है और ये आप देख भी पा रहे हैं इस तरह से इस पूरी बिल्डिंग को जो है आज सजाया गया है क्योंकि सफेदों की जो बिल्डिंग है ये आज इसका उद्घाटन हुआ है जींद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा आज इसका उद्घाटन किया गया है और इतने विभाग जो हैं एक ही छत के नीचे मिलेंगे आपको। एक तरफ कोर्ट होगा और दूसरी तरफ जो है रेजिडेंशियल कमरे हैं जो वो भी बनाए गए हैं। और डीएसपी कार्यालय था वो इसमें नए भवन में शिफ्ट हो चुका है और सामने जो तहसील कार्यालय आप देख रहे हैं वो भी इसमें शिफ्ट हो चुका है। बिल्डिंग आप देख रहे हैं कितनी भव्य बिल्डिंग बनाई गई है, 10 करोड़ 56 लाख इसकी लागत आई है इसके ऊपर और जल्दी ही इसको बना करके आज अधिकारियों को सौंप दिया गया है। के माध्यम से इसका उद्घाटन अभी हो रहा है और साथ ही साथ जो सफीदों के एसडीएम सत्यवान मान वो भी जींद उपस्थित हैं और यहाँ का जो कार्यभार है फिलहाल का वो नायब तहसीलदार रामपाल शर्मा संभाले हुए हैं। ये रिकॉर्ड रूम होगा 217 नंबर रिकॉर्ड रूम जो कि उपनगरों का है वो बनाया गया है। अलग अलग विभाग के जो कार्यालय बनाए गए हैं अनिल सिवाच एपीआरओ कार्यालय से जो पूरा निरीक्षण कराया है उसके ऊपर भी कार्यालय बनाए गए लिफ्टिंग की भी और आप ठीक सामने देख भी पा रहे होंगे कोर्ट जो है कोर्ट का और सभी ये चीजें कोर्ट की बात करें डीएसपी ऑफिस की बात करें एसडीएम दफ्तर की बात करें ये सभी एक जगह होंगे एक ही छत के नीचे होंगे। आपको कहीं पर भी जाने की अब जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये सभी डिपार्टमेंट चाहे रोजगार कार्यालय की बात करें ट्रेजरी की बात करें इनके अलावा और जो कई विभाग हैं वो सभी तो आप सभी से अनुरोध कि आप खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिस प्रकार से आज इसको सजाया गया है आज इसका उद्घाटन हुआ है और सभी के सभी जो अधिकारी हैं वो जींद इस वक्त हैं क्योंकि वहां पर आज इसका उद्घाटन हुआ है सफीदों के एसडीएम सत्यवान मान जी
तमाम अधिकारी जो हैं जींद पहुंचे हुए हैं, इसका उद्घाटन हुआ है और इसकी कीमत की अगर बात करें 10,56,00,000 रुपए इसकी कीमत लागत जो है, इस पर इतनी लागत आई है। तो आप सभी से अनुरोध कि आप खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बने रहें सिटी न्यूज के साथ और एक अन्य खबर के साथ, आपके सम्मुख फिर हाजिर होते हैं एक नई अपडेट लेकर के, एक नई खबर लेकर के। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।